Now we learn the next topic, that is angles in a linear pair. Okay. अभी इधर फिगर देखो, ये स्ट्रेट लाइन को एक क्यू आर रे ने डिवाइड किया. अभी इधर दो एंगल फॉर्म हो गया, राइट है. ये देखो, एक ए साइड का एंगल है, दैट इज पी क्यू आर. वन मोर एंगल एस क्यू आर. ओके, पी क्यू आर, द मेजर ऑफ पी क्यू आर एंड मेजर ऑफ एस क्यू आर, ये दोनों एंगल को ऐड किया तो आंसर कितना मिलना चाहिए? 180. ओके, दीज एंगल्स आर एडजेसेंट. ये एंगल को ये एडजस्ट कर रहा है, देखो आजू बाजू में एंगल से. दैट इज वाई दीज एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. एंड ऑल्सो यस्टरडे यू स्टडीड द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, देयर फोर द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क क्वेश्चन. ओके, मीन्स लीनियर पेयर का मेजर सम, लीनियर पेयर का सम कितना आएगा? 180 डिग्री. ओके, नेक्स्ट विल गो टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इसका मतलब क्या है? अभी ये फिगर देखो, इधर दो रे है, सॉरी दो लाइन है, दोनों साइड में एरो है तो दे आर कॉल्ड लाइन्स. ठीक है, अभी ये कितना, इधर देखो ये आर एस लाइन एंड पी टी लाइन, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू. देखो आर एस लाइन एंड पी टी लाइन, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट क्यू. क्यू में इंटरसेक्ट हो गया क्योंकि ज्वाइंट हो गया क्यू पॉइंट में. अभी इधर चार एंगल फॉर्म होता है. इधर देखो ये एक एंगल ऐसा देखने को जाओ पी क्यू आर, दिस इज वन एंगल. अनदर इज इसका ऑपोजिट, दैट इज एस क्यू टी. इसका मतलब ए पी क्यू आर एंड एस क्यू, इधर मार्किंग देखो ऐसा मार्क किया, मीन्स ये एंगल सपोज 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ऐसे भी लिख सकते हो या दीज आर कॉन्ग्रुएंट एंगल. कॉन्ग्रुएंट का मतलब दो एंगल का मेजरमेंट इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. ओके, नाउ वन मोर एंगल पी क्यू एस. ये ऊपर जाओ देखो पी क्यू एस, ये दो मार्क किया, दो मैंने मार्क किया. इधर भी देखो ये आर क्यू टी, दिस इज दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल, मीन्स दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दैट ओनली विल राइट नाउ मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर. इधर देखो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल टी क्यू एस, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट और वर्टिकली ऑपोजिट. वर्टिकली ऑपोजिट. वन मोर एंगल पी क्यू एस एंड आर क्यू टी, दे आर ऑल्सो, रीजन इज सेम, दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट एंड वर्टिकली ऑपोजिट. दैट इज मेजर ऑफ पी क्यू एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ टी क्यू आर, दे आर ऑल्सो रीजन इज सेम. इन सपोज दिस इज 110 degree means this is also 110. Okay. Therefore, the angle formed by the opposite ray, these are opposite. Yesterday we studied opposite ray, straight line mein rehta hai. Ye ray opposite to A. Right na? The angle formed by the opposite rays of the arms of an angle is said to be the opposite angle.